और मोदी सरकार के शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट अब आ चुकी है सामने आपको। सबसे पहले हम दिखा देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारी, चलिए यहां पर हम आपको पूरी लिस्ट दिखाएंगे कि आखिरकार कौन कौन से मंत्री शामिल हो रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, नाम और दिख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव नाम, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल पहले भी मंत्री थे, निर्मला सीतारमण भी है, किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, यानी कि ये मंत्री दिखाई दे रहे हैं, कैलाश चौधरी, नित्यानंद राय, रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड हरिद्वार से आते हैं, प्रकाश जावड़ेकर पिछली बार भी अनुभव भी है, और स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा कर पहुंची हैं, यानी कि उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। अर्जुन मेघवाल, पीयूष गोयल, आपको बता दें कि इन सभी नामों पर कॉल जा चुकी है, पीएमओ की ओर से यहां पर कॉल किया जा चुका है। और इस वक्त जो नाम आप देख रहे हैं, सदानंद गौड़ा, बड़ा नाम है, बड़ा, उनको भी यहां पर इस बार औहदा दिया जाएगा, मंत्रालय दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं पुरुषोत्तम रूपाला, धर्मेंद्र प्रधान पिछली बार पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, इस बार भी उनको मौका दिया जाएगा, और कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अनुभव सबसे बड़ी बात है। आगे की लिस्ट में आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को एक बार फिर से मौका है, एक बार फिर से वो यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो आगे वाले नाम है वो आप देखकर वाकई कहेंगे कि इन नामों पर थोड़ी सी हैरानी जरूर है। राव साहेब दानवे और गिरिराज सिंह, ये देख सकते हैं आप, गिरिराज सिंह वो नाम है जो लगातार सुर्खियों में रहा। आपको बता दें कि बेगूसराय से लगातार उनकी बातें उठती रही, बयानबाजी को लेकर भी वो चर्चाओं में रहे, और वो मंत्री यहां पर बन रहे हैं। राव इंद्रजीत गुड़गांव से आते हैं, उनका नाम यहां पर है। बाबुल सुप्रियो, यहां पर आ चुका है नाम बाबुल सुप्रियो का भी। उसके बाद कहा जा सकता है कि लिस्ट लगातार है, जितेंद्र सिंह, सुरेश अंगड़ी, रामेश्वर तेली, होशियारपुर के बीजेपी सांसद सोम प्रकाश शामिल हैं। लेकिन हम बात उत्तर प्रदेश की भी कर ले कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट से नाम आ गया है संजीव बालियान का, और कैराना, जहां पर लगातार चर्चाएं हो रही थी कि कैराना का क्या होगा, कैराना में प्रदीप चौधरी के नाम पर बातचीत हुई, उनके पायलटों को रखा गया, अनुभव को देखा गया, उनकी जीत को तोला गया, और उसके बाद फैसला लिया गया कि संजीव बालियान को मिनिस्टर इस बार बनाते हैं, क्योंकि मोदी सरकार अनुभव को तरजीह दे रही है। मोनिका हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। मोनिका, क्या दिखाई दे रहा है, किस तरह से आप देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर अगर आप बात करें संजीव बालियान का नंबर आता दिख रहा है, और कैराना की अगर बात की जाए तो कैराना का नंबर क्यों काट दिया? देखिए, मैं सबसे पहले नवीन जी आपको ये बताना चाहूंगी कि जो आप बात कर रहे हैं संजीव बालियान की, तो संजीव बालियान ने गठबंधन प्रत्याशी अजीत सिंह को मात दी है। मतलब पिछली बार भी वो कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, और अनुभव के आधार पर, जैसे आपने अभी बताया कि अनुभव के आधार पर वरीयता दी जा रही है, आपने पूरी लिस्ट देख ली है, पूरी लिस्ट में अनुभव के आधार पर सबको वरीयता दी गई है, तो इस लिहाज से सबसे पहले जो कॉल गई है संजीव बालियान को गई है, और भी बहुत सारे मंत्री। और कैराना की बात करें अगर प्रदीप चौधरी की, तो हो सकता है, आशंका है सूत्रों के हिसाब से पता लग रहा है कि अगली जो कैबिनेट में फेरबदल होंगे उनमें उनका नाम आ सकता है, यानी कि अभी संभावना है इस बार कहीं ना कहीं उनके नाम को पीछे रख दिया गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको बता दूं जो निकल कर सामने आ रही है, वो ये भी आ रही है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव को वक्त है, और जो चुनावी प्रदेश है वहां पर जो है मौका ज्यादा दिया जा रहा है, उन राज्यों पर नजर ज्यादा डाली जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि अनुभव को तरजीह जबरदस्त अंदाज में दी जा रही है, यानी अनुभव जबरदस्त होगा, और लिस्ट हमने आपको दिखा दी। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि और भी मंत्री होने चाहिए थे, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से मंत्री छूट गए हैं, साथ ही